बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इजी लॉ को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट जो भी केस लॉ है या कोई स्टडी है वो आप तक बरवक्त पहुंच सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं PLD 1955 सिंध 96, जिसको कहते हैं जी मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। 1954 में, अक्टूबर 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1949 में बनाई गई थी उसको डिसॉल्व कर दिया। उससे पहले गवर्नर जनरल ने मौलवी निज़ामुद्दीन जो प्राइम मिनिस्टर थे उसकी कैबिनेट को भी डिसॉल्व कर दिया। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन ने दो रिट फाइल की सिंध चीफ कोर्ट सिंध में। एक रिट थी रिट ऑफ मेंडबस। अब रिट ऑफ मेंडबस जो थी वो थी अंडर सेक्शन 223A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1935। अब 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए था कि उस वक्त अभी तक पाकिस्तान का कोई भी आइन बना नहीं था, तो इंडिया का जो आइन था 1935 का तो उसी को लेके भी चल रहे थे। अब उन्होंने इसमें दो चीज़ें चैलेंज की। एक ये किया कि जो गुलाम मोहम्मद हैं गवर्नर जनरल, उन्होंने गलत किया है इसको डिसमिस करके, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको गलत किया है। दूसरा जो उन्होंने रेस्टोर किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो भी गलत किया है। अब उसके लिए दो चीज़ें उन्होंने, एक रिट फाइल की रिट ऑफ मेंडामस और एक रिट ऑफ कोवरंटो। रिट ऑफ मेंडामस में उन्होंने कहा कि इनको रोक दिया जाए कि वो मौलवी तमीज़ुद्दीन की जो असेंबली है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उनको रोका जाए कि वो इंटरफेयर ना करें और उनको अपना काम करने दें। सेकेंडली जो कोवरंटो की रिट थी उसमें ये कहा गया कि जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछा जाए कि वो किस बेस पे जो हैं वो ये ऑफिस संभाले हुए हैं। चीफ कोर्ट सिंध जो थी उसने जो डिसीजन दिया वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में दिया और कहा कि गवर्नर जनरल ने जो डिसॉल्व की है मौलवी तमीज़ुद्दीन की असेंबली, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो गलत की है अंडर सेक्शन 223A ऑफ इंडियन एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935। और इस चीज़ को उन्होंने डिसॉल्व करते हुए मौलवी तमीज़ुद्दीन की जो असेंबली थी उसको बरकरार रखा। अब फेडरेशन इसके अगेंस्ट अपील में चली गई फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट में जो डिसीजन थे दोनों साइड पे, चीफ कोर्ट में भी फेडरल कोर्ट में फेडरेशन की तरफ से उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो ये थे कि जब तक कोई भी लॉ गवर्नर जनरल से पास नहीं होगा, उसकी कंसेंट नहीं ली जाएगी, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। अब 223A जो था उसमें गवर्नर जनरल की कंसेंट नहीं ली गई थी, इसलिए वो कह रहे थे कि जी क्योंकि कंसेंट नहीं है ये लॉ ही नहीं है, तो इसलिए ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती चीफ कोर्ट की। लिहाजा जो उन्होंने गवर्नर जनरल ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व किया है वो राइट डिसॉल्व की है। अब जबकि फेडरल कोर्ट थी, फेडरल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल राइट पे है, गवर्नर जनरल ने जो डिसॉल्व की है असेंबली वो बिल्कुल सही डिसॉल्व की है, क्योंकि 223A को रिक्वायर्ड है गवर्नर जनरल की कंसेंट। अब जब गवर्नर जनरल की कंसेंट ही नहीं ली गई तो इट मीन्स 223A जो है वो लॉ ही नहीं है। जब वो लॉ ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो चीफ कोर्ट सिंध है उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती। लिहाजा फेडरल कोर्ट ने चीफ कोर्ट सिंध का जो डिसीजन था उसको सस्पेंड कर दिया और फेडरेशन के हक में फैसला करते हुए जितनी भी रिट्स थी मौलवी तमीज़ुद्दीन की उनको डिसमिस कर दिया और ये डिसीजन दिया कि फेडरल कोर्ट और गवर्नर जनरल का जो डिसीजन है फेडरल जो फेडरेशन का, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का और गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद ने जो डिसीजन लिए हैं मौलवी तमीज़ुद्दीन की जो कैबिनेट है उसको जो डिसॉल्व किया है वो राइटली डिसॉल्व किया है।
ये तमाम फैक्ट्स थे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के। शुक्रिया।